तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए मूवी साथ -साथ के बारे में।, मैं आपको बता दू, ये 2030 में आपको देखने को मिली थी लेकिन आपको मैं बता दू ये बहुत पहले कई जगहों पर रिलीज कर दी गई थी जैसा की सबसे पहले से नौ सितम्बर दो को इसे बनाकर एक तरह से रिलीज किया गया था सबसे पहले टी में और इसी के साथ सत्ताईस जनवरी दो को इसे फिनलैंड में एक दस रिलीज किया गया लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया और इसी के चलते चलते धीरे धीरे इसके जो एक तरह से थिएटरों की संख्या है वो बढ़ती गई और साथ ही साथ मल्टीपल कंट्रियों में इसे रिलीज किया गया और इसके बाद आपको 28 अप्रैल 2023 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी आपको हिंदी में ऑप्शन रूप से लैंग्वेज में देखने को मिली है।, हाँ तो है, हिंदी है।, हिंदी देख है और बहुत ही अच्छा खासा है इसने एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इंडिया में भी साथ ही साथ और कंट्रियों में तकरीबन लगभग 400-500 करोड़ का आंकड़ा इसने पार कर लिया है साथ ही साथ दोस्तों इसी के बारे में हम इसकी स्टोरी प्री प्रोडक्शन कास्टिंग साथ ही साथ और भी जितनी भी अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते इस मूवी की स्टोरी से तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं शिशु मूवी के बारे में जी हम दोस्तों हाल ही में ये कई कंट्रियों में रिलीज की गई है और तकरीबन एक से डेढ़ महीना हो चुका है इस मूवी को रिलीज हुए और मैं आपको बता दूं ये इंडिया और अमेरिका में तो हाल ही में रिलीज़ हुए लेकिन इसे लगभग दो में बनाकर एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया था और मल्टीपल लैंग्वेज में से डब कर कर अब हाल ही में इंडिया के साथ साथ मल्टीपल कंट्री में रिलीज़ किया गया है तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे सीसो जो ये मूवी है एक तरह से जेलोमारी हेल्टर द्वारा लिखी गई है और दो हज़ार की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है विश्व युद्ध के दौरान लेफ्टोन सेट फिल्म एक सोने की बहुसेवन का अनुसरण करता है जो अपनी चोरी हुए सोने को सुरक्षित करने का प्रयास करता है और एक अधिकारी नेतृत्व में जर्मन एक मौत की टीम से बचाव करता है इसे फिल्म में टॉर्मन हॉर्न और हेन ड्यू और, और मिशन में है तो दोस्तों बेसिकली इस मूवी की स्टोरी के बारे में मैं आपको बता दूँ तो इस मूवी के स्टार्टिंग के अंदर आपको देखने को मिलता है कि एक तरह से सिसो रहता है वो एक जगह पर सोना खोदता रहता है यानी उसे पता रहता है कि यहाँ पर सोना मिल सकता है और तकरीबन 10-15 दिन हो जाते हैं उसे कंटिन्यू खुदाई करते करते तभी उसे एक टुकड़ा दिखता है जो कि सोना था और वह तुरंत एक तरह से उसे निकालता है और ज़ोर से चिल्लाता है और दो थैले सोना भरकर वहाँ से सुबह रवाना हो जाता है साथ ही साथ दोस्तों बेसिक डिटेल के बारे में भी हम बात करेंगे और इसी के साथ बताया जाता है जब हमारा शिशु है वो खजाना लेकर जाते रहता है तभी उसे एक टैंक के साथ दो गाड़ियों में बड़े कुछ सैनिक मिलते हैं वो उसकी तरफ कुछ इशारे से देखते हैं और फिर उनमें से एक मेजर रहता है जो कि उसकी तरफ देखता है वो भी उसे देखता है और इसके बाद वो आगे चल जाता है घोड़े पर सवार होता है हमारा शिशु और इसके बाद जो सेना है वो थोड़ी पीछे निकल चुकी थी तभी उनमें से एक शूटर रहता है वो अपनी बंदूक उस शिशु पर तान देता है लेकिन इतनी देर में मेजर मना कर देता है और बोलता है ये मौत से ही मिलने जा रहा है क्यों फालतू गोली एक तरह से इस पर इस्तेमाल करें और फिर वो गोली नहीं चलाता और इसके बाद सीन चेंज होता है जो हमारा शिशु है वो आगे बढ़ता रहता है तभी वहाँ पर एक नाका रहता है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और वो उसी से उसे बोलते हैं बुढ़े कहाँ पर जा रहा है और तभी वो उसके एक तरह से घोड़े की तलाशी लेते हैं जिसके अंदर उसमें उसने एक तरह से सोना मिलता है और वो बोलता है कि ये बुढ़ा तो सारा सोने की खदान है उसी के साथ वो उसे घोड़े से नीचे उतार कर मारते हैं और इसके बाद एक जगह खड़ा कर देते हैं हाथ एक तरह से उसके खुल्ले रहते हैं नीचे घुटनों के बल और उसके बाद वो उसे सूट करने वाला रहता है इतनी देर के अंदर हमारा शीशो उड़ता है और सीधा एक चक्कू जो कि एक सोल्जर के सह कर आर पार कर देता है और इसी को देख सब चौंक जाते हैं और सब शीशों की तरफ बढ़ते हैं लेकिन शीशो एक ही बार में सभी को चित कर देता है और सभी को मौत के घाट उतार देता है और इधर गोलियों की आवाज़ सुनकर पीछे जो लगती सीसो छोड़ आया था वो भी एक तरह से देखती है इनकी और, और एकदम से चौंक जाती है और वो वापस अपना टैंक घुमा लेती हैं और सोचते हैं कुछ ना कुछ तो हुआ है और इसके बाद शीशो हमारा आगे बढ़ जाता है और जो मकटी रहती हैं वो वापस वहाँ पर आकर देखती है तभी उनमें से एक आदमी थोड़ा ज़िंदा रहता है जो कि उन्हें एक सोने का टुकड़ा देता है और बोलता है कि सोने की खदान में से ये बूढ़ा सोना लेकर आया है और इसी के बाद जो मेजर जो रहता है उसे एक तरह से एक पड़ा हुआ मेडल मिलता है जी हम दोस्तों जो मेडल था वो शीशो का था जिसके अंदर एक तरह से उसका नाम लिखा गया था साथ ही साथ उसे एक तरह से मिलट्री की तरफ दिया गया था और इसके बाद वो सब वापस टैंक में बैठ जाते और एक तरह से अपने हेड क्वार्टर से बात करते हैं तभी उन्हें शीशो के बारे में पता चलता है और वो बताते हैं कि लगभग इसने शो से भी ज़्यादा आदमी वो मिलट्री के आदमियों को अकेले ही मार देता है साथ ही साथ इसे एक तरह से फौज से अभी रिटायरमेंट ले लिया लेकिन फिर भी ये एक तरह से कई लोगों पर एक तरह से भारी है और उसके बाद जो मेजर जो रहता है वो बोलता है कि अब हम इसी का भी पीछे करेंगे क्योंकि अगर जैसे जंग खत्म होती है तो हमें भी कैदी बना लिया जाएगा और हम हार भी रहे हैं सिर्फ इसके बचने का एक ही तरीका है कि हमारे हाथ को कैसे ना कैसे कर कर सोना लग जाए और सारा एक तरह से सेना सीधा शीशों की तरफ कूच करती हैं और साथ ही साथ दूसरे तरफ़ चीशों को बताया जाता है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और इतनी ही देर के अंदर एक तरह से मिलिट्री वहाँ पर पहुँच जाती है और साथ ही साथ वो उस पर एक तरह से टैंक से फायरिंग करती है लेकिन वो कैसे ना कैसे कर कर आगे बढ़ जाता है और फिर एक पहाड़ सा टीला बना रहता है रेगिस्तान के अंदर उसके पीछे की तरफ वो छिप जाता है और जैसे मिलिट्री आती है शिशु अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता है लेकिन इतनी देर के अंदर जो माइन रहती है वो फट जाती है जिससे कि घोड़े के चीतड़े चीतड़े उग जाते हैं और हमारा शिशु वो भी घायल होकर ज़मीन पर पड़ जाता है और इसी के बाद वहाँ पर जो एक तरह से मेजर की सेना पहुँच जाती है और वो उसे पकड़ लेती है लेकिन इसके बाद वो एकदम से एक सोने की ईट उठाता है और जैसे ही मिलिट्री उसके पास आती रहती वो जमीन है तो वो खींच कर ज़मीन पर मारता है जी हम दोस्तों वो मैन पर एक तरह से मार आता है और माइंड एकदम से फट जाती है जिससे कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाती है और के कुछ आदमी भी घायल हो जाते हैं और इसके बाद जो एक तरह से कैप्टन जो रहता है वो शीशों की तरफ एक तरह से धुंध हो चुकी थी इसलिए एक सैनिक को भेजता है धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है लेकिन वो माइंड पर पे पैर रख देता है और इसके बाद उसके भी ही उड़ जाते हैं और इसके बाद वो दो सैनिक को और भेजता है दो अलग अलग रास्तों से लेकिन वो भी धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ते हैं और दोनों के ही चीतले उड़ जाते हैं तभी जो कैप्टन है वो अपने साथी से सा पूछता है कि यहाँ पर कितने मैन बिछाए थे और तभी वो बोलता है कि जितने हमारे पास मौजूद थे सारे के सारे हमने यहीं बिछा दिए और इसी के बाद वो बोलता है कि अंदर तक में से दो लड़कियों को लेकर आओ जी दोस्तों वो कई लड़कियों को बंदी बनाकर भी ले जा रहे थे और इसी के साथ बताया जाता है कि वो दो लड़की को रस्सी से बांध देते जोड़कर और इसके साथ एक को दाएं तरफ एक को बाएं तरफ दोनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते और उनके पीछे ही एक कतार के अंदर टैंक और सारे के सारे ट्रक चलते हैं जिससे कि वो माइन से बच सके और धीरे धीरे आगे बढ़ते लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक भी माइन नहीं पड़ता और साथ ही साथ साथीशो वहाँ पर जख्मी हो चुका था वो जाकर आगे एक गाड़ी के पास ठहरता है और इसके बाद जो कैप्टन है उसके पास और भी कई एक तरह से सेना आ जाती है और वो सब मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तभी शीशु एक तरह से आराम करता रहता है तभी उसे अपने कुत्ते की आवाज़ रहती है जी हाँ दोस्तों उसके पास एक कुत्ता भी था और इसके साथ और मिलट्री के साथ भी कई कुत्ते थे जो कि भोंक रहे थे इसी के साथ शीशु समझ जाता है क्योंकि वो मिलट्री में था कि ये कुत्ते मुझे खोज लेंगे और मिलट्री के जैसे ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वो भाग कर जाकर ट्रक के नीचे लटक जाता है और किसको दिखता नहीं है क्योंकि जो ट्रक था वो ऊंचाई पे था और सैनिक नीचे थे और उसके साथ वो चढ़ते चढ़ते उसके नीचे की तरफ लटका रहता है और कुत्ते एक तरह से उसकी गंद को सूंघ लेते हैं और धीरे धीरे ट्रक एक तरह से ट्रक के पास बढ़ते रहते हैं लेकिन इतनी देर के अंदर शीशो उस टैंक का एक तरह से छेद करता है और मिल्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तभी उनमें से एक आदमी की नज़र उस पेट्रोल पर पड़ती है जी हाँ दोस्तों पेट्रोल ज़मीन पर डुल रहा था वो टैंक में से डुल रहा था तभी वो बोलता है ट्रक एक तरह से ट्रक की टैंकी एक तरह से लीक है और इसके बाद शीशों को बताया जाता है जो कि ट्रक में से एक तरह से एक तरह से नीचे की तरफ कुल्ला मांडी खाते हुए नीचे की तरफ जाता है तभी सारी एक तरह से की नज़र उस पर पड़ती हैं और वो उस पर गोलियाँ चलाती है एक गोली उस पर लग भी जाती है और इसके बाद वो एक तरह उन से उनसे बचने के लिए एक माचिस से अपने आप को आग लगा लेता है जी हाँ दोस्तों जिससे कि एक तरह से जिस प्रकार से पेट्रोल उसके ऊपर डुला था वो अपने आप को आग लगा लेता है और सीधा पानी के अंदर कूद जाता है और मिल्ट्रिक के जितने भी आदमी रहते हैं वो उस पर शूट करते हैं और बहुत तेज़ी से शूटिंग चलती है लेकिन शीशो जमीन एक तरह से पानी के अंदर रहता है इसलिए उसे एक भी गोली छू नहीं पाती उसके बाद वहाँ पर दो एक तरह से नाव को बुलाया जाता है ताकि वो शीशो को ढूंढ सके उनमें से एक सैनिक बोलता है शायद बुढ़ा मर चुका है लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी निकालने के लिए कुछ सैनिकों भेजते हैं और जैसे नाव उसके पास जाती है वो एक आदमी को अंदर की तरफ खींच लेता है और उसके बाद दूसरा गोता लगाता है उसको भी खींच लेता है और एक आदमी बसता है अकेला नाव के अंदर वो शीशों के डर के मारे दूसरी छोर पर जाता रहता है तभी जो एक जैसे कैप्टन रहता है वो बोलता है कि जंग से भागने का एक ही नतीजा है और साथ ही साथ जो स्नैपर उसके साथ रहता है उसे बोलता है इसे शूट कर दो और सीधा वो उसका खोपड़ा उड़ा देता है और शीशो एकदम से पानी से निकलता है और उस आदमी की बॉडी को उठाता है और अपने ऊपर लाद लेता है वो इसलिए लादता है ताकि उसे गोली नहीं लगे दूसरी तरफ से मिल्टी जो एक तरह से कैप्टन रहता है वो बोलता है फायरिंग करने के लिए और बॉडी तेजी से फायरिंग होती है और बॉडी की वजह से शीशो को एक भी गोली नहीं लगती फिर भी एक पैर के अंदर लग जाती है और वो कैसे ना कर करके उधर चल जाता है तभी हमारा जो कैप्टन है बहुत ज़ोर से चिल्लाता और बोलता है मुझे सिर्फ चाहिए एक और इसी के बाद बताया जाता है शीशो की आगे बढ़ चुका था और इसके बाद शाम ढल चुकी थी और रात हो गई थी शीशो एक इलाके में जाता है जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था और एक घर के अंदर जाकर रुकता है और तभी एकदम से एक कुत्ता भाग कर आता है जो कि शीशो का एक कुत्ता था और जो शीशु है उसकी तरफ एकदम से जाता है और कुत्ता जोर से बोगता रहता है तभी उसकी नज़र कुत्ते के एक तरह से पेट पर पड़ती है जहाँ पर उसे एक तरह से रॉकेट एक तरह से बॉम्ब लगाया हुआ था वो शीशु तुरंत उसे निकाल कर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन इतनी देर के अंदर वो फट जाता है वो कुत्ते को तो बजा लेता है लेकिन खुद घायल होकर अधमरा सा नीचे गिर जाता है और तभी जो मट्टी का कैप्टन रहता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो दोस्तों मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की स्टोरी बेसिकली इसके अंदर बताया जाता है जैसा कि मैंने स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है और मैं एक तरह से तो आपको मूवी के अंदर बताया जाता है है कि एक सोल्जर सोल्जर रिटायर्ड रहता है, जो कि अपने एक तरह से खेत में काम करता रहता है तभी उसे एक जगह पर सोने की खदान मिलती है वहां से वो थोड़ा सोना लेकर आता रहता है ताकि वो अपने परिवार का कर्जा उतार सके लेकिन तभी वो रास्ते में जाता रहता है तो कुछ लोग उसे रोक लेते हैं और उससे वो सोना छीन रहे थे इसी के बाद जो मेजर है उसका पुराना जो एक तरह से उसमें जो ताकत थी वो जाग उठती है अपने परिवार के लिए इतना प्यार रखता है वो इसलिए और वो मेजर था इसीलिए रिटायर्ड था लेकिन इसके बाद वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है और इसी पर बेस ये स्टोरी है ये आपको ओ टी प्लेटफॉर्म अभी तक कंफर्म नहीं है कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है साथ ही साथ मेरे को जहाँ तक लगता है ये अमेजन प्राइम

और साथ ही साथ और भी डिटेल हमने बता दिया अब इसके कास्टिंग के बारे में बात करते हैं तभी वो एक जवान को बोलता है कि इसे उठा कर पासे लटका दो तभी वहाँ पर एक बोल्ट रहता है लोहे का एक तरह से लंबा सारा उसके ऊपर रस्सी डालकर ये शीशु ऐसे लटका दिया जाता है और ये कई देर तक झूलता रहता है तकरीबन दो चार मिनट होते रहते हैं और इसी के साथ है, जो कैप्टन के साथ है जो साथी रहता है वो अपनी टोपी उतार लेता है ये देख कैप्टन भी अपनी टोपी उतार लेता है और एक और आदमी जो रहता है वो बंदूक नीचे कर लेता है इसी के बाद वो उसे अंतिम एक तरह से सलामी दे कर वहाँ से चले जाते हैं जैसे ही वो घूमते हैं तो उसी से अपने पैर हिलाता है और एक कील जो उसके खंबे के साइड में लगी रहती है उससे एक तरह से सहारा देता है और थोड़ी सांस लेता है और वो अपने पैरों से ज़ोर ज़ोर से मारता है और सीधा जो बोल्ट है उसके पैर में घुस जाता है जिससे कि वह एक सहारे की तरह खड़ा रहता है और फिर सुबह हो जाती है इतनी देर के अंदर वो हिलता रहता है तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं वो उन सैनिकों से अलग थे और इसी के साथ वो झूलता रहता है इतने में वो नीचे गिर जाता है तभी जो एक आदमी आता है यानी सैनिक जो रहता है वो उसके पास आता है और वो बोलता है दूसरे सैनिक से ये ज़िंदा है और तभी शीशों का कुत्ता भी वहाँ पर रहता है वो भौखने लग जाता है इतने में ही एक आदमी बोलता है किल स्टूपिड डॉग यानी कुत्ते को मार दो और इस बूढ़े आदमी को भी सुल डाल दो के साथ वो शीशों पर गोली चलाने वाला रहता है लेकिन शीशो एकदम से अपने पैर को ही घुमाता है और उसकी जो बंदूक है उसके शीशों के हाथ में आ जाती है और उसे शूट कर देता है और जो दूसरा जो आदमी रहता है उसे ये पता नहीं रहता और तभी कुत्ते की भोबने की आवाज़ आती है तभी ये बोलता है इसे कुत्ते को भी मार दो और इसके बाद कुत्ता वापस भोगता है फिर वो गुस्से में बोलता है किल द स्टूपिड डॉग और फिर चौथी बार बोगता है जब वो गुस्से से, से उसकी तरफ आता है तो देखता है कि डेड बॉडी वहीं पड़ी थी और इसी के साथ इतनी देर के अंदर शीशु उसका एक तरह से भेजा उड़ा देता है और इसी के बाद बताया जाता है शीशु एक एरोप्लेन से उड़कर जाता है और इसके बाद बताया जाता है जो बलट्रिया जो आधे रास्ते पहुंच चुकी थी जहां पर उन्हें जाना था तभी उन्हें एक एरोप्लेन क्रेस हुआ हुआ मिलता है और सभी ये एक तरह से कैप्टन और सारी सेना वहीं पर रुक जाती है और कैप्टन एक आदमी उस शूटर को भेजता है उसके पास जा देने के लिए और वो जैसे उसे खोल के देखते हैं तो एक तरह से उसमें से धुआँ निकलती है और इसी के साथ है। उसका शीशा उठा कर देखते तो उसके अंदर एक बॉडी थी और उसके अंदर वही एक रस्सा बंधा हुआ था जो कि एक तरह से शीशों को मारने के लिए यूज़ किया गया था इसी के बाद वो बोलता है ये वही रस्सा कैप्टन को आके बोलता है और कैप्टन घबरा जाता है और तुरंत इसी के साथ वो बोलता है रन रन और सारे के सारे टैंकों में और ट्रक में वापस छट जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं तभी सब पीछे सबसे पीछे वाले ट्रक के अंदर बताया जाता है कि एक आदमी को गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है और इतनी भारी आवाज़ के बीच में वो सुन नहीं पाता वो उसी टैंक के अंदर जाता है जिसके अंदर की कई सारे लड़के रहते हैं वो लड़कियाँ भी उसका साथ देती हैं और दो आदमी उसके अंदर रहते हैं उन्हें नीचे एक तरह से पटेक देता है पीछे एक मोटरसाइकिल वाले भी आते रहते हैं वो थोड़ी दूर थे इसलिए उन्हें दिखती नहीं है और जैसे डेड बॉडी नीचे गिराते हैं वो उसे देख चौंक जाते हैं लेकिन शक्ल ढंग से देख नहीं पाते और इसी के बीच वो आगे जाते हैं तो एक और डेड बॉडी मिलती है उसके बाद वो रुक कर उसे देखने लग सकते हैं और इतनी देर में शीशो जो लड़कियाँ रहती है एक लड़की को आगे ट्रक में भेज देता है और इसी के साथ वो खुद जाकर उस टैंक पर कूद जाता है और इसी के बाद कैंट एक तरह से टैंक से आगे की तरफ से ही देख सकते थे इसलिए ट्रेक एक तरह से ट्रक का ब्रेक लगाता है जिससे कि टैंक जो रहता है वो उसका मुंह सीधा ट्रक के अंदर चल जाता है और उसके बाद एकदम से बताया जाता है शीशो उस टैंक पर कूद चुका है और इसके बाद वो लड़की उस टैंक को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाती है और शीशो ऊपर से अपने कुलाड़ी से उस टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है और तभी अंदर बैठा हुआ मेजर उसे देख लेता है और एक शूटर को बोलता है और इसके बाद वो एक तरह से ट्रक ड्राइवर को बोलता है तुम तो एकदम से ब्रेक लगाना और मैं इसे शूट कर दूंगा और एकदम से ट्रक एक से टैंक ब्रेक लगाता है और वो शीशो नीचे गिर जाता है और वो एकदम से बाहर निकल पर उस पर गोलियाँ चलाता है लेकिन शीशो बच जाता है और दोनों एक तरह से टैंक के ऊपर रहते हैं टैंक चलता रहता है दोनों के बीच धमाके दाल लड़ाई होती है और इसी के बीच वो उसे गोली से मार कर नीचे पटक देता है और शीशो अंदर एक तरह से टैंक के अंदर भी अपना कब्जा कर लेता है उसके बाद बताया जाता है जो लड़की आ रही है वो दूसरे एक तरह से ट्रक को भी एक तरह से चकना चूर कर देती है क्योंकि उन सैनिकों को भी को भी पता नहीं रहता और दूसरा ट्रक भी एक तरह से जितने सैनिक रहते हैं वो मारे जाते हैं और फिर जो कैप्टन रहता है वो टैंक की मदद से आगे की तरफ भागता रहता है और इतने में ही दो साथी उसके बस थे दोनों उतर कर आगे पहुंच जाते हैं और शीशो पीछे एक तरह से टैंक से गिर चुका था इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ता है तभी पीछे से दो मोटरसाइकिल वाले जो आदमी आ रहे थे वो शीशो को देख डर जाते हैं और दोनों अपनी गाड़ी छोड़ भाग जाते हैं शीशो उस गाड़ी को लेता है और तुरंत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है और वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है और लेकिन इतनी देर के अंदर कैप्टन उतरता है और एक पायलट से मिलता है और गन निकाल कर उसके एक साथी जो बचा था उसे भी शूट कर देता है और जो पायलट और कैप्टन दोनों मिलकर एरोप्लेन से वहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इतनी देर में शीशु उनके सामने आ जाता है मोटरसाइकिल लेकर और दोनों एक तरह से आमने सामने रहते हैं और पायलट बहुत तेज़ी से प्लेन उड़ाता है और सीसो भी तेजी से गाड़ी लेकर आता है और सीधा सीसो उसकी एक तरह से जो फावड़ी रहती है एक तरह से गुल्लाड़ी जो उससे एरोप्लेन के अंदर एक तरह से लटक जाता है और इसके पीछे आवाज़ आती है उन दोनों को और इसी के वजह ठग ठग वो एक तरह से एरोप्लेन की बॉडी को तोड़ता रहता है ताकि वो एरोप्लेन के अंदर घुस सके और तभी जो कैप्टन है वो पायलट से बोलता है तभी पायलट बोलता है ये थोड़ा पुराना प्लेन है इसलिए ऐसी आवाज आ रही है लेकिन जब एक छेद होता है तो कैप्टन उसकी तरफ तेज़ी से बढ़कर आता है और इसी के साथ वो उस पर बंदूक तान लेता है लेकिन शीशु से मारता है और दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और इसी के बीच जो शीशु है वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और आखिरी उसके मुंह मुंह पर देखकर शीशु का मुंह एकदम चील देता है और इसी के बाद जो कैप्टन है उसे एक और मारने वाला तो बछेड़ लेकिन इतनी देर के अंदर कैप्टन का जो एकदर से बेल्ट जो रहता है जिससे कि वो बंद रखा था वो एक बॉम्ब से एक तरह से लटका देता है और बॉम्ब को नीचे छोड़ देता है और बॉम्ब समय जो कैप्टन है वो नीचे गिर जाता है और नीचे जाकर बम फट जाता है और आगे बताया जाता है जो हमारा एक दर से कैप्टन है उसे भी गोली लग चुकी थी जो पायलट है और कैप्टन तो नीचे मर ही चुका है दोस्तों और जो पायलट है वो एक तरह से वो भी मर चुका था और शीशो एकदम से घबरा जाता है वो आके जाकर एयरबैग चेक करता है आगे भी एयरबैग नहीं थे और पीछे भी आकर चेक करता है तो एयरबैग नहीं थे और इसके बाद वो दिमाग लगाता है और कई रस्सियों को अपने चारों तरफ लपेट लेता है और एक एक कोने में चिपक कर बैठ जाता है और आखिरकार जो प्लान रहता है वो नीचे क्रैश हो जाता है और दूसरी तरफ बताया जाता है वो जो लड़कियाँ रहती है एक आदमी को टैंक की आगे बांध कर मिलेट्री बेस की तरफ जाती रहती है तभी मिलिट्री मिलेट्रॉन पर फायरिंग नहीं करती वो दूर से देखती है और तभी वो लड़कियों से पूछते हैं कि तुम्हें ये टैंक कैसे मिला तभी वो शीशो के बारे में बताते हैं और वो बोलते हैं कि शीशो कहाँ है और इसी के बाद शीशो को बताया जाता है जो कि एकदम से कीचड़ में से निकलता है और वो बच चुका था और कुछ दिनों के बाद एक तरह से बताया जाता है शीशो अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाता है और एक बैंक के बाहर रुकता है बाहर दो गार्ड रहता है वो भी शीशो को देख डर जाते हैं और इसी के बाद वो अंदर जाता है और जो एक तरह से मैनेजर में एक तरह से मैनेजमेंट में एक, एक लड़की बैठी रहती है वो उसे गुस्से से देखता है और अपनी एक तरह से फाउड़ी जो कुलाडी जो रहती है उसे रखता है और इसके बाद जितना भी उसके पास होना रहता है वो सारे का सारा टेबल पर बिखेर देता है और बोलता है कि इसकी जगह मुझे मोटे मोटे नोट चाहिए दोस्तों इसी के साथ जो मूवी की एंडिंग है वो यहीं पर हो जाती है जी हाँ दोस्तों इस प्रकार से इस मूवी की एंडिंग होती है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इसका सेकंड पार्ट आपको कंफर्म देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों जिस प्रकार से एक तरह से आखिरी में सस्पेंस छोड़ा गया है तो आपको कन्फर्म इसका अगला पार्ट देखने को मिलेगा अब इसके बारे में बेसिक डिटेल जान लेते हैं यदि आप एक्सप्लेन के लिए आए थे मूवी की तो वो यहीं पर ख़त्म हो चुकी है और आप इसे देखना चाहते तो कंटिन्यू देख सकते हैं बाकी आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं अब हम जानेंगे इस मूवी की डिटेल के बारे में डायरेक्टर प्रोड्यूसर साथ ही साथ कौन कौन से कैरेक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिले सारी की सारी डिटेल हम जानेंगे तो सबसे पहले बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं है मारी हेल्डर साथ ही साथ ये लिखा गया है एक तरह से मारी हेल्डर और ये एक तरह से द्वारा उत्पादित है पेटी जोरोना और अभिनेता इसमें आपको जर्मन तेलमिल और एक्सटन हैनी और जेफ रिड्यूल्स और मिशोल वेल आपको देखने को मिले हैं सिनेमेटोग्राफर के बारे में बात की जाए तो केजल लेगर साथ ही साथ इसमें एडिटिंग लू और वोल्डेज ने की है और म्यूजिक की बात की जाए तो जूरी सेपा और वोलन साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सब जीरी फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेजिक्स फिल्म और साथ ही साथ गुड प्रोडक्शन और साथ ही साथ वित से किया है नोडियन फिल्म और ले सेट उत्तर अमेरिका सोनी पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ ही साथ रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो जिस प्रकार से मैंने बताया था कि आपको 9 सितंबर 2022 को ये एक तरह से मूवी ऑफ सलूब से देखने को मिली थी एक तरह से टी आई एफ एम में और सत्ताईस जनवरी दो को फिनलैंड में इसे रिलीज़ किया गया और 28 अप्रैल 2030 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मल्टीपल कंट्रियों में रिलीज़ किया गया इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो तकरीबन इसकी लेंथ ग्राउंड मिनट है फिनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनिश अंग्रेजी में है मूवी का बजट छः मिलियन डॉलर आया है बॉक्स ऑफिस पर दस मिलियन का इसने कलेक्शन किया मूल रूप से हेल्टर बिग गेम के बाद अपनी अगली परियोजनाओं के रूप में एक तरह से साइंस फिक्सर कॉमेडी जैन एंड द यूनिवर्स का एक तरह से काम कर रहे थे लेकिन कोविड नाइन्टीन ने हेल्टर की योजना को बदल दिया वह शीशु बनाने के लिए आगे बढ़ गए और फिल्म की शूटिंग दो में लैपलैंड में के अंदर हुई और छह मिलियन के बजट के साथ की गई है हेल्थ के अनुसार उन्नीस बयासी की फिल्म फास्ट ब्लस और रेडन ने एयरमिन खिलाफ उड़ान के वास्तविक जीवन के लिए फिनियन शेन और स्पैम सेन ने फिल्म के लिए एक महाप्रेरणा के रूप में काम किया है सोनी पिक्चर वर्ल्ड वाइड पुलिस ने नोटिन देश के बाहर फिल्म के विश्वव्यापी के वितरण अधिकार का अधिग्रहण किया है और फिर उत्तरी अमेरिका में फिल्म को रिलीज करने के लिए लेग शोट के साथ टीम बनाने का फैसला किया है इसी फिल्म की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को टोर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट नाइट सेक्शन में, में हुई फिल्म का प्रीमियम 27 जनवरी 2023 को फिनलैंड में हुआ और 28 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई इसे आलोचनाओं के साथ से सकारात्मक समस्याएं भी मिली स्कीप राइटिंग के बारे में बात की जाए तो बेहद हद तक बहुत ही जबरदस्त एक तरह से इसके बारे में लिखा गया है और मूवी की लेंथ देखी जाए तो बहुत कम है उन्नीस के अंत में, में फिंस ने संघ के साथ एक संधि की जिसके बीच उन्होंने आकस्मत समाप्त हो गए जबकि वे अपने पूर्व जर्मन सहयोगी को फ्रेंडले से हटा देगी इससे संघर्ष को लेफ्टोन युद्ध के बारे में जाना जाता है और जर्मन सेना खिलाफ जुबानी कार्रवाई करती है रिटायर्ड कमांडर और इंस्पेक्शन आठवीं फॉल्स फेडल के सुंदर जंगल में केवल अपने घोड़े और अपने अफात कुत्ते के साथ अकेले रहते हैं साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इस मूवी के बारे में और डिटेल बताया तो रास्ते में एडिन का सामना क्रुच एस और तरह से मैंने स्टोरी बताया जैसे उसका नाम है और ब्रिन हेल्टन उनके अधिग्रह तत् नेतृत्व में तीस आदमियों से होता है और वो उसे छोड़ देते हैं जैसा कि मैंने बताया पूरी की पूरी स्टोरी डिक्टो वही है और ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं इसके बारे में और साथ ही साथ जॉर्मन टोनियन तार फिर कॉफ के रूप में आपको देखने को मिले हैं और बॉर्नर हैलफोर्ड के रूप में एक्शन हेरिन के रूप में जैक डुल्स और एनल रूल मिशोल वेल्स के रूप में साथ ही साथ आपको शूटन के रूप में ऑर्नर बर्टन आपको मुख्य रूप से देखने को मिले हैं जी हाँ दोस्तों इन सभी कैरेक्टरों के बारे में एक एक कर कर हम डिटेल भी जानेंगे क्योंकि डिटेल भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं किसी भी सीरीज या मूवी के बारे में यदि हम चर्चा करें या बात करें या फैक्ट के बारे में जाने तो उसके अंदर ये जो पोर्शन रहता है ये बहुत है। एक तरह तो से इम्पोर्टेंट रहता है और साथ ही साथ आपको पता चलता है कि इनकी कौन कौन सी अपकमिंग मूवीज़ आपको देखने को मिलेगी और कौन कौन सी अब तक सुपरहिट मूवी में आपको देखने को मिल चुके हैं साथ ही साथ मुख्य रूप से इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो 17 मई 2030 हजार तक ने संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में तकरीबन 6.8 मिलियन और अन्य तो क्षेत्रों में 3.3 मिलियन की कमाई की जिसमें दुनिया भर में 10.1 मिलियन की कमाई शुरू की संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा शीशु और बॉगजोन और फोरमैन में आर यू डेन गॉड साथ लगभग 900 थिएटरों में लगभग 4 मिलियन के साथ कमाई का अनुमान लगाया गया है इसने अपने पहले दिन में 4.1 मिलियन की कमाई की जिसमें गुरुवार रात को पूर्व लोकन में लगभग पाँच से एक दस हजार डॉलर भी शामिल है ये आठवें स्थान पर रहते हुए थ्री पॉइंट थ्री मिलियन की शुरुआत में चल गई और समीक्षा और साथ ही साथ एग्रियन वेबसाइट रोड जोमेटोज पर 120 आलोचनाओं की समीक्षाओं में से लगभग 94 सकारात्मक समीक्षा है जिसकी औसतम रेटिंग 10 में से 7.7 है जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है और साथ ही साथ वेबसाइट की आम सहमति भी पड़ी है साथ ही साथ और भी लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया और इस मूवी ने रिलीज होते ही तकरीबन 2022 में एक रिकॉर्ड अपने नाम किया जैसे कि मैंने बताया कि ये 2022 में रिलीज कर दी गई थी कई कंट्रीज़ में इसने जीता पसवनवा स्टेज फिल्म फेस्टिवल अवार्ड साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट म्यूजिक के लिए मार्च 2030 में हेलोड और ए सी के एक साक्षातकार में इस विचार का संकेत दिया है कि अगर फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है तो शीशों के लिए संभावित अगली कड़ी बनाने का विचार हो सकता है जी हाँ दोस्तों मेरा कन्फर्मेशन आपको पहले ही दे दी थी और हम सभी को पता है कि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी है जिस प्रकार से मैंने बॉक्स ऑफिस आप कलेक्शन आपको बता दिया तो कंफर्म आपको सेकंड पार्ट आपको कंफर्म देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों अब इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में एक एक करते हुए हम जान लेते हैं जो कि बहुत ही शानदार है जी हाँ दोस्तों इसके अंदर एक तरह से शीशो का जो रोल ले हुआ है उनके बारे में जानते हैं मुख्य रूप से जॉर्ज है जी जिया दोस्तों इनका जन्म उन्नीस में हुआ एक फिनिश अभिनेता हैं जिन्हें उन्नीस सौ सत्तानवे में, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का यूसी पुरस्कार जीता और फिल्म सीसू 2030 में आत्मी कोरियन की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं जी हम दोस्तों उन्नीस एक से इनकी एक से जन्म के हिसाब से इनकी आज एक से उम्र के बारे में बताया जाए तो लगभग तेईस से एक दस से सिक्सटी थ्री यानी एक तिरसठ से चौसठ साल हैं साउन फिनलैंड में इनका जन्म हुआ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है साथ ही साथ उन्नीस सौ सत्तानवे से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मुख्य रूप से उल्लेखित कार्य प्रिंसिपल पार्टी के उन्नीस सौ छियासी और शीशु दो हज़ार तेईस जी दोस्तों अब तक इन्होंने अपने करियर में दो ही मूवी की इनके बारे में थोड़ी डिटेल कम है इसलिए मैं आपको थोड़ी बता पाऊँगा और उनका एक तरह से जन्म राउंड फिनलैंड में हुआ और उन्हें अपनी वो था स्टलैंड में बिताई और द्वितीय विश्व युद्ध में उनके फेफड़ों में चोट लगने के बाद जब जर्मन चार साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण की ने किया उनकी बड़ी बहन की लो भी थी एक अभिनेत्री है वे अपने परिवार के साथ वास रहती हैं उन्होंने अभिनेत्री इंडियन गौर्न में शादी की साधी साथ ही साथ उन्नीस सौ सत्तानवे में हैं सिंह थिएटर में एक आदमी गोल्ड थिएटर के चार संस्थापक सदस्यों में से एक थी और एक फिनिश थिएटर समूह जिसमें प्रतियोगिता कार्टिन मंच पर मुख्य रूप से देखने को मिले उन्नीस सौ सत्तानवे में टॉम ने गॉड थिएटर के साथ संस्था संस्थान जारी हल्सन द्वारा निर्देशित क्रिसमस पार्टी में अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे रजूशन पुरस्कार भी जीता फोशियन के यानी छः मिलियन के बजट के साथ छ मिलियन के बजट के साथ पेटेड फिल्म गई और फिल्म शीशु में टॉम की तुलना में उन्नीस सौ बयासी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और यह अब तक की सबसे हिट मूवियों में से एक थी साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में थोड़ी और मैं डिटेल बताऊँ तो मुख्य रूप से साइस और भारी बाधाओं के सामना हल्के दृष्टि संकल्प के साथ कोर्थन एक, एक व्यक्ति की एक तरह से बारे में बता रहे थे अपना सोना वापस पाने के लिए अपमानजनक लंबाई तक लाए और भले इसका मतलब उसके रास्ते में आखिर नाजी वो ना मारना हो और भूमिकाओं के लिए उन्हें दो हज़ार बाईस में सीड फिल्म फेस्टिवल और सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो पुरस्कार भी मिला आंसिक फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो उन्नीस सौ बानवे में ब्लैक टू द ओशियन साथी साथ लिफ्टन कॉर्गन इन द देंडम ऑफ द शॉन साथ ही साथ और भी कई एक तरह से कलाकार इससे मूवी में आपको देखने को मिले साथ ही साथ दोस्तों तो इससे मूवी के अंदर आपको एक और कैरेक्टर जो देखने को मिले शूटर के अंदर मैं बता रहा था जिनका नाम है एक तरह से एक्सेंट हैनी इनका जन्म उनतीस अक्टूबर उन्नीस सौ सतानवे को हुआ एक नॉर्वेशियन और अभिनेता निशांग और स्क्रिप्ट राइटर भी ये एक कैप्टन का रोल निभाते हुए नजर आए शीशों में इन्होंने हेडन दो हज़ार ग्यारह हैरफ्यूज दो हज़ार चौदह या मोर्टिन दो हज़ार पंद्रह अप्रम में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं मुख्य रूप से उनतीस अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तानवे में, में जन्म हुआ आज इनकी उम्र सत्तासी साल है ओशियन नॉवल में मुख्य रूप से एक अभिनेता है साथ ही साथ सांग है और उसकी प्रायटर भी है और जीवन साथी इनकी से हैंगबोन है आज एक तरह से दो में इन्होंने शादी की और आज लगभग सात से आठ साल हो चुके हैं और इनके तीन बच्चे भी हैं हैंडरी का जन्म 28 अक्टूबर उन्नीस सौ पचानवे को ओशन के कैलबर्स उपनगर में हुआ किस रे उनके बाद उन्होंने अभिनेता बनने के लिए आरोप में गिरफ्तार किए गए साथ ही साथ तो पुलिस के सामने स्वीकार करने के बाद वित्तीय चित्र समुदाय से बहिष्कार हो गया साथ ही साथ इसके साथ चार बार आवेदन करने के बाद हैनियन जो नेशनल अकेडमी ऑफ थिएटर में भर्ती करवाया गया उन्हें 2001 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और एक फिल्म अभिनेताओं के रूप में हैनियन की सबसे उल्लेखित सफलता रही उन्होंने 2003 में फीचर फिल्म जॉनी वैग में अपनी प्यारी भूमिका निभाई हालांकि निरसंग जैन से और मूल रूप से सोचे थे कि भूमिकाओं के बाद छोटी थी लेकिन अभिनेता ने उन्हें एक्सेप्ट किया और वह फिल्म के लिए सही व्यक्ति है और उसे वर्ष उन्होंने बर्डियन एलवर्ड फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आया और अगले साल हेरियन ने, ने फिल्म पुनस के साथ एक निशंग और लेखन के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने अभिनय किया इसी भूमिकाओं के लिए उन्होंने हेरियन और उन्हें कलाकार निकॉन्ड वैक्शन के बॉडवेड के रूप में ठोस प्रदर्शन के लिए एक छः महीने का ठीक सारे प्रशिक्षण किया 2001 में डेल बोर्ड अखबार द्वारा हैनी को थिएटर टेन और ऑफ द ईयर नामांकित किया गया जी दोस्तों इसी के साथ 2008 हजार आठ में हैनी नेक्शन मूव में, में अभिनय किया जहाँ उन्होंने उसी नाम का वोल वो कैन युद्ध नायक की भूमिका निभाई और नॉर्वेन्द्र मॉलन द्वारा फिल्म का एक बड़ा बजट था 2011 में एज ऑफ द हीरोज रिलीज हुई थी और देते हुए युद्ध की एक फिल्म प्रमुख रूप से नोवल में फिल्माई गई और 30 अगस्त 2013 को एक डॉक्टर और फायर जारी की गई यानी रूप उन्नीस के दशक के दौरान उत्तरी सागर में एक वाणिज्य तर्टपिटर के रूप में देखने को मिले साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो उन्नीस से इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिले हैं जी हाँ दोस्तों उन्नीस में इन्होंने बॉर्बी बोल्टन सबसे पहले मूवी की जिसे इन्होंने एक तरह से अपना काम एक तरह से इस इंडस्ट्री में किया साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कुन एक तरह से उन सौ बहत्तर में इन्होंने एक उन्नीस सौ बहत्तर नाम की एक मूवी की 2002 में ऑर्निट और 2003 में फ्रेंड्स और जॉन हॉर साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ साथ ही साथ मुसीबत में बैरगन और वेतन साथ ही साथ कुछ हद तक सज्जन आदमी साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने मंगल ग्रह के निवासी साथ ही साथ हाल ही में इन्होंने शीशु और टेक राजे और साथ ही साथ इनके अवॉर्ड्स के बारे में बात की जाए साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इस मूवी में दो कैरेक्टर तो हमने जान लिए हैं और बाकी के बचे कैरेक्टरों के बारे में हम जानते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक साथ ही साथ चैनल बनने हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बैलाइकन दबा कर ऐसे आलफर्स सेट कर दें ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो सबसे पहले जैक ड्यून एक अंग्रेजी अभिनेता इनके बारे में हम जानते हैं जो कि इसे मूवी के अंदर आपको देखने को मिले उन्हें बीबीसी बी सी स्टीर और ए ग्रीन ग्रीन ग्रास में जॉन ओर्टन और सुई होटन के साथ टायर बॉस के चित्रण के लिए जाना जाता है जी तो फिर साथ ड्यूल ने उन्हें टेलीविजन शो जैसे कि स्प्रिन और ईट्रेड और दिल्स और पिप शो अंतिम भूमिका निभाई है और रिकी कोडराट और स्टीव मोर्सन की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म सीमेस्ट जंक्शन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं मुख्य रूप से बात की जाए तो इनके बारे में तो 28 जुलाई उन्नीस सौ सत्तानबे को इनका जन्म हुआ इंग्लैंड यूके में और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में उन्नीस से वर्तमान तक काम कर रहे हैं और उन्नीस में इन्होंने नाइनटीन फोर्टी सेवन एक्ति से नाम की मूवी की और उन्नीस सौ छियासी से दो हजार तीन में आपको ब्रद मूवी के अंदर आपको देखने को मिले साथ ही सा साथ उन्नीस सौ अट्ठानवे में मिशन रेंस साथ ही साथ दो हजार तीन में स्पॉक्स साथ ही साथ दो हजार चार में मेरकी और दो हजार चार में स्कूल ऑफ द लाइफ साथ ही साथ दो हजार पाँच है दो हजार नौ में द ग्रीन ग्रीन ग्रास है साथ ही साथ दो हजार दस में पिप्सो साथ ही साथ कुकीज़ ए वर्सेज जॉम्बे साथ ही साथ ग्रीन स्ट्रीम थे ये दो हजार तेरह में आपको देखने को मिले साथ ही साथ इसके साथ वाइट गोल्ड साथ ही साथ द नन मूवी साथ ही साथ द बॉयज़ जिया द बॉयज ऑफ से है सीरीज़ है उसके अंदर भी आपको देखने को मिले जिया दोस्तों तो इस सीरीज़ पे भी हम डेफिनेटली वीडियो लेकर आएंगे इसके सेक्शनों की बात की जाए तो तकरीबन तीन सेक्शन आ चुके हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे से कर कर एक तरह से रिलीज़ किया जा रहा है और साथ ही साथ जो इसका सेक्शन फोर है वो अपकमिंग टी वी यानी एक तरह से आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ अंतिम एपिसोड आपको 8 जुलाई को देखने को मिला था तो दोस्तों अब तक हमने इस मूवी के बारे में कई डिटेल यानी प्रोडक्शन कास्टिंग सारी की सारी डिटेल हमने जान ली है साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन दबा कर इसे पर सेट कर दे

बॉइस पर भी एक तरह से हम वीडियो लेकर आएंगे वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों आज हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल बेसिकली हम जानेंगे पहले इसके एक जो कैरेक्टर हैं शीशो के उनके बारे में जान लेते हैं जी हाँ दोस्तों छोटे से एक तरह से छोटी सी डिटेल है वो एक तरह से हम जान लेते हैं मीमोज हेलन बुलमोन इनका जन्म उन्नीस में हुआ एक फ्री सभिनित्रा है और साथ ही साथ हेडफेड में उनकी भूमि के लिए उन्हें सहायक अभिनेताओं के लिए जूशियन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया साथ ही साथ का जून एशन में एक दिभाषी परिवार हुआ साथ ही साथ साथन और विडियन दोनों भाषाओं में भूमिका निभाई वह फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है और हेड पार्ट दो और लेक बोर्डन 2016 और बोन इन हिलोस और 2016 और सम बड़ी सूट टू सो सोटू और सैमतीन दो हज़ार उन्नीस और सीसों दो हजार बाईस दूसरों के लिए भी है फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो विलमोन को हैशफेड में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अमित सहायक के अभिनेताओं के लिए दूसरी पुस्तक से सम्मानित किया गया और उन्हें एशियन फिल्म जिसमें स्कीट फैट हॉर्न फिल्म फेस्टिवल में लाइक डॉनर में अपनी भूमिकाओं के लिए दो हजार सोलह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का पुरस्कार जीता था ब्लैक बोर्डन में अपनी भूमिकाओं के लिए बोलो सब सिस्टम नेताओं के लिए जूसी पुरस्कार से भी नामांकित किया गया तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर थे जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में जी जिया दोस्तों डायरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बाद हम द बॉयज के ऊपर बात करेंगे जी दोस्तों सेक्शन फोर आपको कब तक एक दस से फाइव आपको कब तक देखने को मिल सकता है तो दोस्तों जानते हैं इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में यानी एक तरह से डायरेक्टर के बारे में जेलमारी हॉर्ड्स जेल मारी हॉर्ड्स का जन्म 21 जुलाई उन्नीस सौ छियासी को एक फिनिश इसकी प्रायटोल फिल्म डायरेक्टर है उन्हें 2010 की फिल्म रेयर एक्सपोज एंड एक स्क्रीन टेल के लिए कैट बोर्चिन ने अपनी पसंदीदा फिल्म एक के रूप में नामांकित किया और दो की एक्शन एडवेंचर बिग बॉस में से मैन इनकेजेक्शन अभिनेताओं के लिए लिया गया उर्दू हर बाईस में डब्लू डब्ल्यू सेकेंड एक्शन फिल्म शिशु के लिए उन्हें जाना जाता है फीचर फिल्म की ओर से रुकी रखने वाले हेल्टन ने कई लघु फिल्मों और पुरस्कार विजेता और टेलीविजन में कैपनों का निर्सांग भी किया है मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो इक्कीस जुलाई उन्नीस को इनका एक तरह से जन्म हुआ आज इनकी उम्र छियासी साल है और हेस्टलिन फुल्ड है मुख्य रूप से व्यवसाय इनका फिल्म डायरेक्टर्स की प्रायटर साथ ही साथ इन्होंने अब तक जो इनकी बेस्ट मूवीज है एक्सपोर्ट दिशमस टेल दो हजार दस बिग बॉस दो हजार चौदह शीशु दो हजार बाईस हर चर अभिनेता जॉनमर जोरन के बह बन के बेटे के मामा है और दोनों में उनकी ये फिल्म में अभिनय किया फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो रैला एक्सपोर्ट ए इसमें स्टेल दो हज़ार पंद्रह बिग गेम दो हज़ार चौदह शीशु दो हज़ार बाईस और जे री और सुनीस यूनिवर्स टी बी एस में यानी एक तरह से अपकमिंग देखने को मिलने वाले हैं और शॉर्ट फिल्में आइस मैन है उन्नीस सौ निन्यानवे और मैड उन्नीस सौ निन्यानवे और मैन दो हज़ार एक है दुर्गमीत इंक दो हज़ार तीन और दर्फी साथ ही साथ दोस्तों अपकमिंग की मूव एक तरह से सीरीज़ है फॉल्टन वो भी आपको अपकमिंग देखने को मिलने दे वाली है तो दो सौ डायरेक्टर भी इससे मूवी के कवर हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं द पावर सीरीज़ के बारे में साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं द बॉयज के बारे में जी हाँ दोस्तों जो मूवी आपको अपकमिंग देखने को मिली यानी एक तरह से सीरीज़ देखने को मिली इसके बारे में हम कई डिटेल है वो हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों जिस प्रकार से हम सभी इंतजार कर रहे हैं इसके अपकमिंग सेक्शन के बारे में सेक्शन फोर के बारे में द बॉयस अमेजोन प्राइम वीडियो की एक ही एरियन के द्वारा विकसित एक अमेरिकन सुपर हीरो टेलीविजन सीरीज है साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो गोर्थ एरियन और डेरियन रॉबर्ट द्वारा इसी नाम की एक कॉमिक बुक के आधार पर यह ध्रुवघन नामांकित टीम पर अनुसरण करती है क्योंकि अपनी क्षमताओं और दुरुपयोग करने वाले महाशक्तिशाली व्यक्तियों का मुकाबला करते हैं शखला में कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें कर्नल ऑर्बन और जैक ऑर्बन और नाथन मिशन शामिल हैं मुख्य रूप से इसके अंदर आपको जो एक तरह से डेवलपमेंट बेस के बारे में बात की जाए तो द एम एंड और डार्ग इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे हम सेपरेट जब इस पर एक एक वीडियो लेकर आएंगे अभी के लिए दोस्तों मैं फास्टली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी शॉर्टली डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ इस सीरीज के बारे में जो कि मैं आपको बता देता हूँ क्या अपडेट निकल कर आ रही है सेक्शन फोर एक शूटिंग उसकी चालू है और साथ ही साथ वो आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली है इसमें कलाकार भी कई आपको देखने को मिले सेक्शन तीन आ चुके हैं टोटल तो मिलाकर चौबीस एपिसोड आपको देखने को मिल चुके हैं साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ अमेजोन प्राइम पर जो एक तरह से आपको और भी मसाला देखने को मिलने वाला है क्योंकि एम एक्स प्लेयर जो एक जैसे आती थी सीरीज़ है बाहर की और सारी कंट्रीज़ की वो सारे की सारी अब प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि तो एम एक्स प्लेयर को प्राइम वीडियो ने खरीद लिया है साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जो हमारा जियो सिनेमा है उस पर पूरा एच का कंटेंट आपको बार बार कर मसाला देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ एक्सक्लूजर प्रोडक्शन में आपको तकरीबन 50 लोग देखने को मिले हैं प्रोडक्शन के बारे में भी आपको सब चीज़ें बताएंगे साथ ही साथ इस सीरीज़ का जो बजट है सेक्शन वन का एपिसोडों का तकरीबन ग्यारह पॉइंट टू मिलियन एक तरह से पर एपिसोड आया था जी तो सेक्शन वन का बोल रहा हूँ मैं एक एपिसोड का बाकायदा इतना एक तरह से बजट है और ऑरिजनल नेटवेयर का आपको अमेजोन प्राइम वीडियो देखने को मिलेगा फोर गैल्ट्रा एच क्वालिटी है फाइव पॉइंट वन डिजिटल एक तरह से फॉर्मेट में है ऑडियो के साथ 26 जुलाई दो हजार उन्नीस को इसका फर्स्ट सेक्शन आपको तकरीबन एपिसोडों के साथ छः से सात एपिसोड आपको देखने को मिले इसके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो मूल रूप से एक फीचर लंबाई वाली फिल्म बनाने का इरादा था लेकिन कॉमिक बुक संग्रह के अनुसार 2008 में अपना विकास शुरू किया जिसमें एडम मैक के फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार थे और चालक दल और फिल्म को चुनने वाले स्टूडियोज के बीच रचनात्मक मतभेद के कारण परियोजना को विकास करने में छोड़ दिया गया और सिनपेक्स द्वारा दो हज़ार सोलह के परियोजनाओं के विकास को पुनर्जीवित किया गया और जिसने घोषणा की कि इसे एक टेलीविजन संगला के रूप में फिर से काम किया जाएगा और इबन को संगला के स्रोता के रूप में भर्ती किया गया था जबकि सेट रोजन और इवन गोल्डवन गोल्डबन कार्यकारी निर्माता होगी और अमेजन प्राइम वीडियोज़ ने नवम्बर दो में संगला के अधिकांश अधिकार प्राप्त किए जिसका उत्पादन मई दो में, में शुरू किया और द बॉयस ने दो छब्बीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को आठ एपिसोडों के अपने पैरा सीजन का प्रीमियम किया जी दोस्तों प्रीमियम होते हुए आपको अमेजोन प्राइम पर देखने को मिला साथ ही साथ प्रीमियम चार सितंबर दो हजार बीस को हुआ जबकि तीसरा सीजन आपको तीन जुलाई दो हजार बाईस को देखने के को मिला जून दो हजार बाईस में रिलीजिंग को चौथे सीजन के लिए नाम किया गया जी हाँ दोस्तों एक साझा ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में एक ऑस्पन वेब सीरीज सेवन ऑन सेवन का प्रीमियम 21 जुलाई 2021 को हुआ और एक एनिमेटेड एंड क्लोज सीरीज बायलॉट का प्रीमियम मार्च 2030 को हुआ दूसरा लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज जैन विन सितंबर दो में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया संगला को इसके लेखन कथनांग और राष्ट्रीय कलाकारों के प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा और बजनशा मिली संगला को छः एम पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया जिसमें दो हजार इक्कीस में उत्तर नाटक श्रृंखला शामिल है साथ शादी शारदा साध बोज एक ऐसे ब्रह्मांड में उपस्थित है जहाँ शक्तिशाली व्यक्तियों को आम जनता द्वारा नायक के रूप में पहचाना जाता है और वोल्टन इंटरनेशनल नामक एक शक्तिशाली निर्णय के लिए काम करते हैं साथ ही साथ दोस्तों लड़कों का नेतृत्व तो बिली ब्रुचिन द्वारा किया गया जो कि सभी महा शक्तिशाली व्यक्तियों का चेतन करते हैं और साथ का नेतृत्व तो मेलगिर और ऑस्टन द्वारा किया गया श्रृंखला की शुरुआत में लड़कों को ऑन कैप्टन द्वारा शामिल किया गया था साथ ही साथ कास्ट के बारे में बात किया था बिल बुल्चिन के रूप में कॉल अर्बन लड़कों का नेतृत्व और एक पूर्व एस एफ ओटन जो कि शक्तिशाली व्यक्तियों का करता है साथ ही साथ इसके साथ बेस के बारे में बात कर ली और एपिसोड एपिसोड टोटल मिला के आपको तकरीबन मैं बताऊँ तो सबसे पहले आठ एपिसोड सेक्शन वन में आपको देखने को मिले छब्बीस जुलाई दो को फिर इसे वीकली वाइज एक तरह से कन्वर्ट कर दिया गया सेक्शन टू आते ही आठ एपिसोड चार सितंबर से नौ अक्टूबर दो हजार बीस के बीच में देखने को मिले और साथ ही साथ सेक्शन थ्री यानी एक तरह से एपिसोड आठ के साथ तीन जुलाई दो हज़ार बाईस से आठ जुलाई दो हज़ार बाईस तक और अपकमिंग आपको चौथा सेक्शन आठवा एपिसोड आठ एपिसोडों के साथ अपकमिंग देखने को मिलने वाला है सीजन वन के एपिसोडों के बारे में अभी हम एक तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए क्योंकि अभी हम एक तरह से शीशु मूवी के बारे में जान रहे हैं अब प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो दो और दो के बीच में कोलम्बिस पिक्चर्स और पैरामाउंट पिक्चर दोनों में द बॉयज़ का एक फिल्म रूपांतरण विकास का चरणों में था और एडम ने नेसांग में रुचि व्यक्त की फुलरे और फिल और फिटो प्रभावित थे और मेरकन ने बिल बिलबूचर के रूप में फैशन क्रो और हॉर्गन के रूप में माइफल पैक के साथ थ्री में फिल्म शूटिंग की रुचि व्यक्त की है और छः अप्रैल दो हज़ार सोलह को यह घोषणा की गई कि स्नेपैक्स कॉम्स पर एक टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण विकसित कर रही है और उत्पादन विकसित किया जा रहा है और एरियन और इसके साथ इवन गोल्ड और सैट रोजन और श्रृंखला लिखने के लिए तैयार है जबकि गोलबर्ड और रोजन निर्सांग के लिए तैयार थे साथ ही साथ कार्यकारी निर्माता में किप्टन गोलबर्ड और रोजन डिलचेयर मोरियन साथ ही साथ और भी कई गलाघार देखने को मिले संगला से जुड़ी उत्पादन कंपनी प्राइवेट ग्रो पिक्चर्स और फिल्म और, और सोनी पिक्चर टेलीविजन शामिल है आठ नवम्बर दो को ये घोषणा की गई कि अमेजोन ने प्रोडक्शन को अपने सीजन के लिए एक सीजन ऑर्डर दिया है जिसमें आठ एपिसोड शामिल है श्रृंखला का आदेश की घोषणा से पहले कई महीने तक श्रृंखला कथित के तौर पर अमेजोन में विकसित हो रही थी ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म की घोषणा रचना तक टीम ने अभी भी संघला से जुड़ी हुई थी और क्रियापंचों में पौष्टिक की भावना को बनाए रखना चाहते थे लेखकों को, को अनुशासित रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस दावे से कुछ भी निकल सकता है और व्यवहार है और कुछ भी हो सकता है और साथ ही साथ वे नायकों को प्रेरित करने के लिए मयम पात्रों को मरने और अति प्रयोग में नहीं आ, आना चाहते हैं और कैसेन की पति और बेकन की कहानी में बदलकर कॉमी के पार्टी को चयन करने के लिए अवर दिया और तीस अप्रैल दो हजार अट्ठारह को यह घोषणा की गई कि वह टेगन ट्रेज़ संगला के लिए एपिसोड का निशान करेंगे और उन्हें रोजन और इवाइज गोल्डबन का स्थान किया गया और उसे दिन संघर्ष के कारण बाहर हो गए संगला के प्रीमियम में अप्रैल पहला उन्नीस से जुलाई दो हजार उन्नीस को एक दो हजार उन्नीस में यह घोषणा की गई कि वह Amazon ने दूसरे सीजन के लिए संगला का नवीनीकरण किया है और जिसका प्रीमियम 4 सितंबर 2020 को आपको वो दे दिखेगा और इसमें आठ एपिसोड शामिल हो गए एपिसोड पिछले सीजन की तरह कृपा ने संगला के प्रीमियम से ठीक पहले स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था जिसका पता चला कि हिट के द्वितीय चरण के लिए उम्मीद है और इर्द गिर्द बहुत सारी नॉर्म जो हुई दूसरे सीजन का आठ स्क्रिप्ट नवम्बर दो हज़ार उन्नीस पूरी कर ली

ताकि वो भी इसे देख सके और साथ ही साथ आपको जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो उस पर डेफिनेटली वीडियो लाए गए साथ ही साथ तेईस जुलाई 2020 को अमेजोन ने घोषणा की कि वे 2020 हज़ार बीस में सेंडियर कॉमिक कॉम एट द रेट के होम के लिए आई टैन और द्वारा आयोजित एक्सफोर्ड में सनफ्ला को तीसरे सीजन के लिए नमीनीकृत किया जा रहा है तीसरे सीजन की शूटिंग दो में शुरू की गई और एक अज्ञात रिलीजिंग डेट के साथ हुई और 30 अक्टूबर 2020 को क्रैफन ने खुलासा किया कि के दी से जिनका लघुला कॉमिक बुक और अनुकृत किया गया जो कि सुपर डैग इन त्यौहारों के आसपास केंद्रित है इसे सीजन के छठे एपिसोड के लिए अनुकृत किया गया जिसे लघु संगला के बाद हरगौन नाम दिया गया था और कैपलोन ने कहा कि वे हरगोन में सबसे पागल वाले एक तरह से दैमिक समाचार पात्र थे जिसने उन्हें अभी देखा है और हरगिन इसके देखने के लिए तैयार नहीं थे हालांकि कॉमिक बुक कहानी का वही हिस्सा है जिसमें हॉर्जेंट बोर्ड एक सुपर हीरो के रूप में दर्शाए गए हैं साथ ही साथ हॉर्डैंड ने पहले हॉमलेट के दि वेस्ट पुरुष के लिए एक माना एक नृत्य से होने के लिए लिया गया और क्रिपेड ने यह खुलासा किया कि वेस्ट हॉलजेंट बोर्ड और महसूस के रूप में चित्रित करने के बजाय जैसा ही कॉमिक प्रदर्शन किया जाएगा वे हॉलमेड से भी बदतर हो गए और 10 जून 2022 को अमेजोन ने चौथे सीजन के लिए से नवनिवृत किया गया और 18 दिसंबर 2017 को यह घोषणा की गई कि एरियन मॉडर्न एनियन ऑस्टन की भूमिकाओं में लिए गए हैं और 17 जून जनवरी 2018 को ये बताया गया कि एटिन स्टोर चेल्स कॉटन और जेम इस ने नाथ विशुल कारों में शामिल हो गए हैं मार्च दो में ये घोषणा की गई कि लार्ज ओर्देन और जैक फोर्डस के फुल हॉर्स को संगला नियमित भूमिकाओं में लिया गया पाँच अप्रैल दो को ये बताया गया कि कॉल्स ऑर्बलिन और बूचेन और की संगला की प्रमुख भूमिकाओं में डाल दी गई है और सोलह मई दो को ये घोषणा की गई कि वे एल्बिसो को मेडिन स्टेट की संगलाह के नए भूमिकाओं ने में लिए गए हैं और 25 जून 2018 को ये बताया गया कि और, और क्रेम की भूमिकाओं में मुख्य कलाकारों में शामिल होगी और तीस अगस्त दो को ये घोषणा की गई कि जेन्यून स्पोर्ट की सी आई ए एजेंट की आवर्ती भूमिका की गई है और 5 अक्टूबर दो को वार्षिक को कॉमिक ऑफ द कॉन के दौरान ये घोषणा की गई कि साइमन पैग और वर्गन के पिता की भूमिका ली गई है और कलाकार रॉबर्न के अनुसार सिट कॉर्नर पैग में पैक को देखने के बाद उर्गन और पैक जैसे दिखने के लिए कॉमिक मैच खींचे गए लेकिन बोर्ड ने सोचा कि वह टीवी श्रृंखला में उर्गन की भूमिका निभाने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं था दोस्तों इसी के साथ पाँच सितंबर को मुख्य रूप से इसे एक तरह से अनाउंसमेंट की गई कि गोलन वैजन और वर्ल्टन दूसरे सीजन के लिए आवर्ती भूमिकाओं के लिए लिए गए हैं और एक महीने बाद बैटन ऑस्ट्रेन को एक अनिष्ट भूमिकाओं में घोषणा की गई और एर एन कोर्स को मुख्य रूप से इसमें लिया गया दस अगस्त दो हज़ार बाईस को यह बताया गया कि सोन एस्मोर को दूसरे सीजन के लिए हेलमेट के रूप में चुना गया और यह एक हफ्ते के बाद जेंसन एक और सोलन बॉन्ग के रूप में तीसरे सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हो गए तीस अक्टूबर दो हज़ार बीस को क्राउड ड्यूट और बर्बिन पुलिस के तीसरे सीजन के लिए नियमित संघना का पौद्यन किया गया और छब्बीस मार्च 2021 हज़ार इक्कीस को वोटिन बिटेज तीसरे सीजन के लिए लिटिन नींद की आवर्ती भूमिका कलाकारों में शामिल हो गए और तेईस जून 2021 को माइकल गेस्ट विलियन सीन और पैटन बोर्डन और निक बिलियन को तीसरे सीजन के लिए क्रम से चुनप और बोर्ड हॉर्ड के रूप में लिया गया दो दिन बाद लोरस हॉर्डन तीसरे सीजन के लिए एक आवर्ती भूमिका निभाते हुए क्रिस्टन काउंट के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए और पाँच अक्टूबर दो को इक्कीस टोन और क्रिस्टन बूथ और जैक दुर्गन टीचर सीजन के लिए आवर्ती भूमिकाओं में मोनिया ज्यूटे और उर्फ टेन एन ट्रीट के रूप में कलाकारों में शामिल हुए 8 जुलाई 2022 को यह घोषणा की गई कि नाथन मिशोल जी ने पहले सीजन के लिए नोस ब्लैक ऑरन को चित्रित किया गया था तीसरे सीजन में अपने चित्रण की मृत्यु के बावजूद एक संघला समता में एक नए प्रतिपति प्रति और ब्लैक नोरन को चित्रित करने के लिए जारी रखे और संगला छोटे सीजन सत्र में एक अगस्त दो को यह घोषणा की गई कि कैमरून कोर्ट को नियमित रूप से एक संगला के लिए पदोन्नत किया गया है जबकि वेलस केरिन और सुसन और चौथे सीजन के लिए नियमित रूप से नई संगला के रूप में चुने गए हैं बाद में उस संगला में जेट डी ऑर्गन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया और एक दिसंबर 2022 को रोजन और डेरिनताओं के लिए कलाकारों में शामिल हो गए साथ ही साथ हालांकि कॉलेज की तरह न्यूयॉर्क शहर में स्थित ये एक पुष्ट की भूमिका संगला टोर्न कनाडा में फिल्माई गई और नंबर 2017 में ये घोषणा की गई कि संगला के फिल्मांकन दो हजार में फिल्म शुरू हुए साथ और भी कलाकार आपको देखने को मिले साथ ही साथ इसके बारे में म्यूजिक सेक्शन के बारे, बारे में बात करें चौथे सीजन का फिल्मांकन तीस अगस्त दो को शुरू हुआ और बेग ने अठारह जनवरी दो को अपने दर्शकों का फिल्मांकन समाप्त कर दिया और फिल्म उसका फिल्म फिल्मांकन 12 फरवरी को शुरू हुआ है और स्टार ने 4 अप्रैल को अपने दर को फिल्माया और चौथे सीजन के लिए फिल्मांकन 12 अप्रैल 2030 को एक दर निपटा दिया गया है जी हाँ दोस्तों बारह अप्रैल यानी कि अगले महीने की लगभग फर्स्ट वीक के अंदर या सेकंड वीक के अंदर आपको इसका टीजर या ट्रेलर कंफर्म देखने को मिल सकता है जी हाँ दोस्तों जिस प्रकार से मैंने बताया कि फिल्मोग्राफी पूरी हो चुकी है सब चीज़ पूरी हो चुकी है सिर्फ अब मेडियन रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं इस सीरीज के अंदर जो म्यूजिक देखते देते हुए नज़र आए हैं संगला के प्रत्येक सीजन के लिए स्कोर एल्बम जारी किया गया है और दो हज़ार उन्नीस में कॉम्रेस एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने काम सोजन पार्टी के लिए सेट के साथ सहयोग करने के लिए बाद में दाबोरेन के लिए उनका एक पार्ट चीज़ है जिन्होंने अभी इस दूसरे सीजन में साउंड ट्रैक के लिए एनियन मोर्टन और नेवल टूर गाने के लिए अपनी आवाज़ दी है साथ ही साथ 1 सितंबर 2021 को पोस्ट इनका संगीत वीडियो यूट्यूब पर जारी किया गया और तीसरे सीजन के साउंड ट्रैक में माइकल ग्रेस्ट और विलियन द्वारा प्रसारित दो गाने शामिल थे सीजन रिट्टी राष्ट्रीय और और, और और भी कई एक तरह से रिलीजन के बारे में बात करते हैं छब्बीस सितंबर दो को संगला का तीन आधिकारिक पोस्टर जारी किए गए पाँच अक्टूबर दो हजार अट्ठारह को वार्सनी और कॉमिक कौन में से एक तरह से संगला के पैन का शामिल करते हुए चौबीस जनवरी दो हज़ार उन्नीस को सेट रोज की अधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक और टीजर जारी किया गया एक और टीजर जारी होने के बाद छब्बीस जुलाई दो हजार उन्नीस को संगला का प्रीमियम हुआ प्रीमियम में एमेज ने द बॉयज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया जिसका प्रीमियम सात चार सितम्बर दो हजार बीस को हुआ और बाईस जुलाई को स्किप ने चौलन एक साथ के साथ संगीत वीडियो के साथ सौ में क्लिप और ऑडिशन दिए और 26 जून 2020 को ये घोषणा की गई कि सीजन दो सितंबर दो चार दो हज़ार बीस को शुरू होगा जिसमें पहले तीन एपिसोड तुरंत तो उपलब्ध हो गया और बाकी साप्ताहिक रूप से जारी किए गए दूसरे सीजन का अधिकारी ट्रेलर चार अगस्त दो हज़ार बीस को जारी किया गया और छः जून दो हज़ार बाईस को ये बताया गया कि तीसरे सीजन का प्रीमियम तीन जुलाई दो हज़ार बाईस को होगा जिसमें पहले तीन एपिसोड तत्काल उपलब्ध हो गए और बाकी आठ एपिसोडों के लिए सीजन समापन तक साप्ताहिक रूप से जारी किए जाएंगे पहले और दूसरे सीजन के बीच सेट ब्रुचन नामक एक साथी लघु फिल्म और दस सितम्बर दो को रिलीज किया गया जिसमें कोच औरबन ने बिल ब्रुचन के रूप में एक अपनी भूमिका को दोहराया और डेड ब्रटन के एक एपिसोड में द बोर्न के पात्र भी शामिल थे और अमेजोन प्राइम वीडियो द्वारा आयोजित थे जिसे सत्रह सितंबर 2020 को रिलीज़ किया गया होम मीडिया के बारे में बात की जाए तो दो सीजन सत्रह सितंबर 2020 को सोनी पिक्चर होम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्देशित छः डिस से बॉक्स में रैप पर रिलीज़ किए गए साथ ही साथ दोस्तों अब इसकी लॉन्ग वीडियो आपको अब देखने को मिलने वाली है कुछ ही दिनों में आप वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और आज की वीडियो में हमने पावर बुक को भी एक तरह से सोरी दोस्तों द बॉयज़ को भी हमने कवर कर लिया है साथ ही साथ पावर बुक की वीडियो भी मैं अपकमिंग लेकर आ रहा हूँ वो कुछ ही घंटों में रिलीज होने वाली है साथ ही साथ दोस्तों शीर्षो मूवी के बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने प्रोवाइड कराई और मल्टीपल लैंग्वेज में ये अवेलेबल है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ तक है ये अमेजोन ब्राइम या नेटफ्लिक्स पर शायद देखने को मिल सकती है तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में आपको जानना हो हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना जो कि एक तरह से 2022 में कई जगह पर रिलीज हो चुकी थी लेकिन 2023 में इसे होप मिला यानी एक तरह से लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया और मल्टीपल कंट्रीज में से रिलीज किया जा रहा है अभी भी कई कंट्रीज में इसे रिलीज किया जा रहा है और अच्छा खासा एक तरह से ये परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है तो आज इसी पर हमने बात की थी इसके प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग स्टोरी सारी की सारी जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बताई यहाँ तक के कास्टिंग के बारे में भी एक ही करके सारी की सारी डिटेल बताई तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में